हैं क्लास्टर बिलेरिया या फिर द फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, क्लास्टर बिलेरियंस, क्लास्टर बिलेरियंस। अच्छा, क्लास्टर बिलेरियंस, पहली बात इनको टर्बुलेरियंस क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि भाई ये पाए जाते हैं पानी के अंदर। अब पानी के अंदर पाए तो जाते हैं लेकिन शॉर्ट बॉटम सेडिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, और बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ना, ये देखो मट्टी के ऊपर ना इस तरह से, जैसे मेरी फिंगर्स हैं ऐसे ऐसे ना क्रॉल करते हैं, क्योंकि ये मट्टी के ऊपर इस तरह से हल्का हल्का क्रॉल करते हैं, तो मट्टी का पानी जो होता है ना वो क्या होता है, वो गदला हो जाता है, टर्बुलेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका जो नाम वो निकला है वो कहाँ से निकला, टर्बुलेंस से। कहाँ से निकला, टर्बुलेंस से। तो टर्बुलेंस का मतलब गंदा पानी हो जाता है इनकी मूवमेंट की वजह से, इसी वजह से इनको क्या नाम देंगे, टर्बुलेरिया। अब इसका मतलब अगर पानी गंदा होता है तो कहाँ पर पाए जाएंगे, बॉटम डिवेलर्स होते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ पाए जाते हैं। यहाँ से ये आपको पॉइंट याद रखना है, बॉटम डिवेलर्स होते हैं नीचे की तरफ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम क्या आ गया, टर्बुलेरियंस इनका नाम आ गया। अब दूसरा पॉइंट, बॉडी वॉल। आपको हर चीज़ रटनी नहीं है, लेकिन जो पॉइंट आपको मैं बोलूंगा नॉमिनेट करूंगा वो याद जरूर करने है। बॉडी वॉल की सीक्वेंस जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको बाहर की तरफ एक देखने को मिलेगी लेयर, उसको नाम देंगे एपिडर्मस। क्या नाम दिया जाएगा, एपिडर्मस। एपिडर्मस के नीचे बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिडर्मस। एपिडर्मस के बाद क्या देखने को मिलेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपको देखने को मिलेगी मस्क्यूलर लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आ जाएगी मस्क्यूलर लेयर। उसके बाद मस्कुलर लेयर की बात करें तो मस्कुलर लेयर जो है उसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे, अरे आपको देखने को मिलेंगे पेरेन्काइमा। क्या देखने को मिलेगा, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के बारे में मैंने बताया था, विच पेरेन्काइमा का कौन सा ओरिजिन होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म के एंडोडर्म, जल्दी से बताइए। अच्छा, अगर पेरेन्काइमा के बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस अगर हम बात करते हैं कि इनमें से जो काफ़ी आप बात कर लें कि ज़बरदस्त स्ट्रक्चर कौन सी है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड, तो उस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पर आपको सवेर किस्म के जो होते हैं वो ग्लैंड देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ पॉइंट याद रखेंगे आप एपिडर्मस के और ग्लैंड के बारे में, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एपिडर्मस। एपिडर्मस के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे ग्लैंड्स, लेकिन ग्लैंड्स के बारे में क्या पॉइंट याद रखना है कि ये किस साइड के ऊपर पाए जाएंगे, इसकी लोकेशन बहुत जरूरी है। इसकी लोकेशन ये है कि ये आपको देखने को मिलेंगे वेंट्रल साइड के ऊपर। कहाँ पर देखने को मिलेंगे, वेंट्रल साइड के ऊपर। मैं दोबारा से रिकैप देता हूँ, एपिडर्मस। एपिडर्मस के बाद दूसरे नंबर पर क्या आई, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिडर्मस, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर के बाद पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के बाद क्या आ गया, गैस्ट्रोडर्मिस। अपनी आंखें बंद करो सारे लोग। एपिडर्मस, एपिडर्मस के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर के बाद पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के बाद गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, दोबारा से बंद करो अच्छे से यार, सुनो गौर से। एपिडर्मस, एपिडर्मस के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद मस्क्यूलर लेयर, उसके बाद पेरेन्काइमा, उसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस। और ग्लैंड्स जो है वो कहाँ पर अटैच है, एपिडर्मस में। अब आंखें खोल लो यार। अब और ये किस साइड पर पाए जाएंगे, वेंट्रल साइड के ऊपर पाए जाएंगे। अब वो कौन कौन से ग्लैंड्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उनमें से पहले जो ग्लैंड्स है उनका नाम है रेबडाइड्स। क्या नेम है जी, रेबडाइड्स। अच्छा, रेबडाइड्स के बारे में क्या याद रखना है, रेबडाइड्स, रब मेरे। अच्छा, यहाँ से ऐसे याद रखो कि रब जो है वो बचाता है, तो जाहिर सी बात है अल्लाह पाक ने, रब ने इसको भी बचाने की जिम्मेदारी ली, तो बेसिकली इनको प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, तो वो किसकी होती है, वो रेबडाइड्स की होती है। रेबडाइड असल में क्या होता है कि प्रोटेक्टिव म्यूकस होता है जो उसकी बॉडी के ऊपर की तरफ पाया जाता है, जो इसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्या किसी चीज़ इसको प्रीडेटर से बचाता है या खुश्क होने से बचाता है, हाँ यार ये दोनों काम से बचाता है, ये इसको प्रीडेटर से भी बचाएगा और इसको खुश्क होने से भी बचाएगा, यानी कि इसका डुअल फंक्शन होता है। तो एपिडर्मस के, एपिडर्मस में ग्लैंड्स देखे, ग्लैंड में वेंट्रल साइड के ऊपर देखा, रेबडाइड्स पाए जाएंगे, म्यूकस लेयर बनाएंगे जो इसको प्रोटेक्ट होने से बचाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर देखो, ये हमने आपको भी बताया था कि ये जो होते हैं बेटा, ये बेसिकली क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, टर्बुलेंस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि इनके अंदर आपको एडहेसिव ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे, इनके अटैचमेंट के लिए आपको यहाँ पर एडहेसिव ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगे। अब देखो, अगर एडहेसिव ग्लैंड देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रीडेटर्स होंगे। याद रखिएगा, टर्बुलेरियंस के अंदर सारे के सारे जो हैं वो ये नहीं समझना कि फ्री लिविंग होते हैं। हाँ, फ्री लिविंग होते हैं सारे के सारे, लेकिन प्रीडेटर्स भी होते हैं, तो प्रीडेटर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। देखिए,
आगे जो पढ़ा था ना हमने ट्रिमाटोडर से सोडिया के अंदर, वहां पर हमने पैरासाइटिक पढ़ा था, पैरासाइटिक इनके अंदर है। अगर प्रीडेटर की बात करें तो प्रीडेटर्स आपको टर्बुलेरियंस में देखने को मिलेंगे। प्रीडेटर कहां पे देखने को मिलेंगे? टर्बुलेरियंस के अंदर। और यहां पर आपको सिलिया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलिया की ही वजह से जो टर्बुलेंस है वो प्रोड्यूस होगा, पानी जो होगा वो गदला होता चला जाएगा। इज इट क्लियर ना? तो प्रीडेटर टर्बुलेरियंस के अंदर और पैरासाइटिक जो है वो बाकी सबके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी वजह से इनके अंदर एडिसिव ग्लैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो अटैच करने में हेल्प करेंगे, और रिलीजर ग्लैंड्स होंगे वो इनको रिलीज करने के अंदर हेल्प करेंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपको जो चीज भूल सकती है वो हो सकता है रेपडाइट्स। रेपडाइट्स रब से याद रखो प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात कर लेते हैं। आपने यार बताया नहीं, ओके वेरी गुड यार, कुछ बच्चों ने कमेंट किए तो पैरेन्काइमा बताया है कि ये क्या होती है, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, वेरी गुड। लेकिन अब यहाँ पर आपने याद रखना कि एपिडर्मस के कौन से रीजन से बनती है, तो एपिडर्मस के बारे में आपने याद रखना कि एपिडर्मस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एपिडर्मस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और एक्टोडर्म से ये ड्राइव हो गई, मेसोडर्म से ये ड्राइव होगी, पीछे क्या बची? एंडोडर्म। तो जो एंडोडर्म होगी, तो मैं यार इसको एंडोडर्म को ई एन डी ओ से लिख देता हूँ, एंडोडर्म। तो एंडोडर्म से क्या अराइज होगी? गैस्ट्रोडर्मिस। तो गैस्ट्रोडर्मिस कहाँ से अराइज होगी? एंडोडर्म से राइज हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं मस्कुलर लेयर के बारे में। मस्कुलर लेयर के बारे में आपको क्या याद रखना है? मस्कुलर लेयर के बारे में ये याद रखना है कि देखो यार, एबीसी के अंदर पहले सी आता है कि एल आता है? तो आपने याद रखना सर, एबीसी के अंदर पहले सी आता है। तो पहले अगर हम देखें तो आउटर लेयर, आउटर लेयर जो होगी, अब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ एपिडर्मस, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद जो है आपने याद रखना मस्कुलर लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में एक ही पॉइंट याद रखोगे कि यार ये कनेक्टिव टिश्यू का काम, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। क्यों? देखो ना यार, ये दोनों के दरमियान में आ गया ना, तो दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन का काम है वो किसका? बेसमेंट मेम्ब्रेन का। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो बेसिकली किस चीज का काम करेगी? कनेक्शन का काम करेगी। मस्कुलर लेयर में सबसे पहले कौन आएगा? सी। तो सर्कुलर लेयर बाहर की तरफ और लॉन्गिट्यूडनल उसके अंदर की तरफ, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पैरेन्काइमा, और उसके बाद देखने को मिलेगा गैस्ट्रोडर्मिस। तो बॉडी वॉल में से हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी से बताना है मुझे, हरिओम चुपचाप बैठो और सुनो गौर से। बॉडी वॉल में पहली चीज हमने क्या देखी? नंबर वन, हमने कहा कि यार इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी? एपिडर्मस, एपिडर्मस के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद हमने देखा मस्कुलर लेयर, उसके बाद पैरेन्काइमा, उसके बाद देखी गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मस इज एपिडर्मल एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, उसके बाद हमने पैरेन्काइमा मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और गैस्ट्रोडर्मिस इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एपिडर्मस के बारे में हमने ये देखा कि ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, यहाँ पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वेंट्रल साइड भी पाए जाते हैं, रेपडाइट्स रब बचाएगा उसको, प्रीडेटर भी होते हैं, रिलीजर भी होते हैं, और इनकी नेचर जो होती है वो प्रीडेटर होती है, बाकी सब में पैरासाइटिक पाए जाते हैं। और मेनली पैरासाइटिक आप देखने को मिलेंगे ट्रिमाटोडर सिस्टोडिया के अंदर। सिस्टोडिया में जो पैरासाइटिक बिहेवियर होता है, इनके अंदर गट जो होती है वो एब्सेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हमने देखा बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो एपिडर्मस और मस्कुलर लेयर के दरमियान में है, तो कनेक्शन का काम करती है, तो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। मस्कुलर लेयर की बात करें तो हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो पहले क्या आता है? सी आता है, तो सर्कुलर बाहर, लॉन्गिट्यूडनल अंदर। उसके बाद पैरेन्काइमा, ये बेसिकली ऑर्गन सिस्टम जो है, ये टिश्यूज वगैरह का फ्लूइड होता है, मैस होता है। और गैस्ट्रोडर्मिस बिल्कुल अंदर वाली लेयर जो होगी उसको क्या नाम देंगे? गैस्ट्रोडर्मिस का नाम देंगे। तो इस तरह से ये जो आपकी बॉडी जो है, बॉडी के बारे में जो हम पढ़े थे, बॉडी वॉल्स के बारे में, वो यहाँ पे बेटा कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, डेट इज अबाउट द लोकोमोशन, डेट इज अबाउट लोकोमोशन। देखें अब ये मूव कैसे करते हैं, इसको यार ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे लिखते हैं लोकोमोशन। जल्दी से बताओ, इनके अंदर मैंने बताया था फाइलम प्लैटिहेलमिंथेसिस के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होती है, हरियम इनके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, लेकिन मुझे बताएं इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, मैंने पीछे पढ़ाया अभी। अरे अच्छा, लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो पहली बात ये कि भाई बॉटम डिवेलर्स होते हैं, दूसरी बात हमने बोला था कि ये टर्बुलेंस प्रोड्यूस करते हैं, तीसरी चीज़ आपने ये याद रखना है कि यार ये ग्लाइड करते हैं, पानी के अंदर तो होते हैं लेकिन जाहिर सी बात है बॉटम डिवेलर्स तो हैं, लेकिन क्या करते हैं? आपने कहना कि ग्लाइड करते हैं, क्या करते हैं? ग्लाइड। तो यहाँ पर मैं लिख रहता हूँ ग्लाइड ओवर सब स्ट्रेट, ग्लाइड ओवर सब स्ट्रेट। सब स्ट्रेट के ऊपर जो ग्लाइड करते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? टर्बुलेंस, टर्बुलेरियंस। टर्बुलेरियंस होते हैं, क्या करते हैं? ग्लाइड करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर आपको सिलिया देखने को मिलेंगे, सिलिया देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा क्योंकि हमने मस्कुलर लेयर भी पढ़ा, तो मस्कुलर अंड्यूलेशन जो हैं, मस्कुलर अंड्यूलेशन जो हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए एक चीज़ से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, टर्बुलेरियंस, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस कनेक्ट है सिलिया से। मसल्स के बारे में पढ़ा, मसल्स कनेक्टेड है मस्कुलर अंड्यूलेशन से। और जाहिर सी बात है ये बॉटम डिवेलर्स हैं तो ये ग्लाइड करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये इनके अंदर जो है वो लोकोमोशन का सिंपल सा मैकेनिज्म याद रखना है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जाहिर सी बात है जब मूव करते हैं तो इनको मदद भी तो चाहिए ना अटैच होने के लिए। तो अटैच होने के लिए आपने पढ़ा था वो लेयर्स पढ़ी थी, ठीक है।
तो एडहेसिव ग्लैंड जो थे वो म्यूकस क्लियर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, इसी तरह से म्यूकस क्लियर जो थे वो रिबडाइट्स वगैरह भी जो थे वो भी प्रोड्यूस कर रहे थे। अब नेक्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं इसके डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन के बारे में देखें, यूनिक पॉइंट याद रखेंगे ठीक है, डाइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं और इसकी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी यार खुराक क्या होती है। देखें डाइजेस्टिव कैविटी की बात करें तो डाइजेस्टिव कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है। डाइजेस्टिव कैविटी जो है इनके अंदर वो क्या होती है, एब्सेंट रहती है। डाइजेस्टिव कैविटी इज एब्सेंट, यानी कि क्या सभी के अंदर डाइजेस्टिव कैविटी एब्सेंट होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं नहीं, सबके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव कैविटी जो है वो एब्सेंट नहीं होती, कुछ में होती है। डाइजेस्टिव कैविटी जो है वो एब्सेंट तो होती है, लेकिन कुछ आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी। ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी जो होती है प्रेजेंट इन सम कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगी ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कुछ की अगर हम बात कर लेते हैं, उनका हाईली एडवांस होता है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम हाईली एडवांस होता है। अच्छा यहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे हाईली एडवांस्ड, तो मैं आपको बता देता हूँ यार हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टर्बुलेरिया। क्लास टर्बुलेरिया के आगे अगर बात करें तो कुछ ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स के बारे में कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। आई नो थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाएगा लेकिन याद जरूर करिएगा। तो सबसे पहले आएगा ए सिला, उसके बाद आएगा मैक्रोस्टोमिडा, उसके बाद आएगा लैसिथो पैथेलिएटा, उसके बाद आएगा ट्राइक्लेडिडा, उसके बाद आ जाएगा पॉलीक्लेडिडा। तो अभी तक हमने देखा क्या देखा, एसिलिया, मैक्रोस्टोमिडिया, लैसिथोपथैलिएटा, ट्राइक्लेडिडा, पॉलीक्लेडिडा, ट्राइक्लेडिडा, पॉलीक्लेडिडा। यहाँ पर एमसीक्यूज में याद रखेंगे कि जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया कहाँ से बिलोंग करता है, ट्राइक्लेडिडा से। प्लेनेरिया किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, ऑर्डर ट्राइक्लेडिडा से बिलोंग करेगा। इज इट क्लियर, ये आपने याद रखना है, ये आपको ऑर्डर बता रहे हैं। एसिलिया की बात करें ना, उनके अंदर आपने याद रखना है कि इनके अंदर आपको कोई भी डाइजेस्टिव कैविटी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अभी हम ऊपर बोले थे ना डाइजेस्टिव कैविटी एब्सेंट, तो वो किसकी बात कर रहे थे, हम ऑर्डर सिलिया की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, सिलिया की बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर मैक्रोस्टोमिडिया की बात करें, इसके अंदर आपने याद रखना है बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट आपको डाइजेस्टिव कैविटी जो है वो देखने को मिलेगी मैक्रोस्टोमिडिया। लैसिथोपैथेलिएटा, इसके अंदर आपने याद रखना है कि अनब्रांच्ड, इसके अंदर क्या होती है, अनब्रांच्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि यार अगर मैं बात करूँ ना मैक्रोस्टोमिडिया, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ये देखो मैक्रोस्टोमिडिया। तो मैक्रोस्टोमिडिया का ये आगे की तरफ फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद ये देखें बिल्कुल मैंने स्ट्रेट बना दिया। इज इट क्लियर। और ट्राइक्लेडिडा की बात करें तो ट्राइक्लेडिडा मैंने बोला अनब्रांच होता है। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर ये देखें ये थोड़ा सा बड़ा सा आ गया इसकी बॉडी के अंदर, और उसके निस्बत कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो फेरिंग्स तो इसका सिंपल रहेगा, लेकिन आपने कहना कि अनब्रांच डाइजेस्टिव कैविटी होती है। और फिर ब्रांच किसकी होती है, वो आपको देखने को मिलेगी प्लेनेरिया के। प्लेनेरिया की क्या होती है, ब्रांच होती है। ये आपको एफएससी के अंदर भी देखने को मिलेगा चैप्टर 12 के अंदर, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। तो एक चीज याद रखिएगा, प्लेनेरिया का माउथ जो होता है वो किस साइड पर होता है, ये प्लेनेरिया की ऊपर वाली डॉर्सल साइड, ये उसकी वेंट्रल साइड। तो प्लेनेरिया का जो माउथ होता है वो आगे की तरफ नहीं होता, ये मिड वेंट्रल साइड के ऊपर होता है, मिड वेंट्रल साइड के ऊपर। तो प्रोड्यूसेबल फेरिंग्स होता है इस तरह से, ऐसे फेरिंग्स बाहर निकलेगा, खुराक कैप्चर करके अंदर की तरफ ले जाएगा। इज इट क्लियर ना। उसके बाद जब ये खुराक अंदर की तरफ लेके जाएगा, तो मान लीजिए ये इस तरह से मेरे पास आ गया, दिस वन इज अ प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया के नीचे वाली साइड के ऊपर यहां पर क्या है, प्रोड्यूसेबल फेरिंग्स। ये फेरिंग्स जो है जब ये खुराक अंदर की तरफ लेके जाएगा, तो ये आगे की तरफ जाके हो जाएगा ब्रांचेस के अंदर डिवाइड। तो इस तरह से ये चीज याद रखनी है, इनके अंदर आपको लेटरल ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, ठीक है, इंटीरियर साइड के ऊपर भी और पोस्टीरियर साइड के ऊपर भी, ये जो है वो आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। तो ये आगे ट्राइक्लेडिडा, तो ट्राइक्लेडिडा प्लेनेरिया जो है वो ट्राइक्लेडिडा से बिलोंग करता है। और अगर सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात करें, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, तो कॉम्प्लिकेटेड जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, दे विल बी प्रेजेंट इन केस ऑफ द पॉलीक्लेडिडा। तो पॉलीक्लेडिडा के अंदर आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पहली बात जो है वो
कुछ के अंदर एबसेंट होते हैं, एबसेंट बात करें तो ऑर्डर एसिलिया के अंदर एबसेंट होगा। एसिलिया, मैक्रोस्टोमिडिया, लैसिथोपिथेलिएटा, ट्राइक्लेडिडा, पॉलीक्लेडिडा, गौर से सुनो, एसिलिया, मैक्रोस्टोमिडा, लैसिथोपिथेलिएटा, ट्राइक्लेडिडा एंड पॉलीक्लेडिडा। प्लेनेरिया कहाँ से बिलोंग करते हैं, डुजेसिया जिसका नेम है, डेट बिलोंग्स फ्रॉम ट्राइक्लेडिडा, जहाँ पर आपको तीन बेसिकली देखने को मिलेंगे इसकी ब्रांचेस, दो आपको देखने को मिलेंगे पोस्टीरियर साइड के ऊपर, एक आगे की तरफ, तो ट्राइक्लेडिडा यहाँ से आ गया। पॉलीक्लेडिडा नाम से पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा जब आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी डेट इज़ अ पॉलीक्लेडिडा। और अगर बात करते हैं एसिलिया, एसिलिया के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और फेरिंग्स एबसेंट होता है। उसके बाद मैक्रोस्टोमिडिया, मैक्रोस्टोमिडिया में स्ट्रेट होते हैं और सिंपल होता है, और लैसिथोपिथेलिएटा अनब्रांच्ड होता है और सिंपल सिंपल इसका जो है वो फेरिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। होप्स यहाँ तक आपको जो चीज़ें हैं बेटा वो क्लैरिफाई हो चुकी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फूड के बारे में, राइट। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फूड के बारे में। देखिए अगर हम इसकी खुराक के बारे में बात करें ना, तो यार देखो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बॉटम डिवेलर्स के ऊपर। तो इनको जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने को मिलेगा तो ये उसको खा जाएंगे। तो ये इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं तो क्या होंगे, कार्निवोरस होंगे। और जाहिर सी बात है अपने से छोटे के ऊपर ही फीड करेंगे, उनसे छोटे क्या हो सकते हैं, इनवर्टिब्रेट्स ही होंगे, वर्टिब्रेट्स तो हो नहीं सकते। तो अब पता चल गया यार, देखो ये टेक्निकल चीज़ें जो हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही आपको याद हो जानी है। बॉटम डिवेलर्स हैं, टर्बुलेंस है, सिलिया मौजूद हैं, स्लिप होके चलेंगे, ग्लाइड करेंगे। उसके बाद हमने देखा मसल्स हैं, मसल्स अंडुलेशन है, और छोटे जानवरों को खाएंगे, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, कार्निवोरस हैं, है ना। कैसे लिंक्स जुड़ गए, तो लिंक्स को जोड़ के याद करना, वैसे याद नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर इनको कोई मुर्दा चीज़ भी मिल जाए जो डेड हो चुका है लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटा सा स्केवेंजर्स, तो ये स्केवेंजर्स भी होते हैं, यानी कि मुर्दा वगैरह जो हैं ये उसको भी खा लेते हैं, यानी कि जो कुछ मिल जाए ना उसको खा लेते हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इज इट क्लियर। इसके अलावा अगर बात करें तो मेनली तौर पर तो कार्निवोरस है, लेकिन ज़रूरत पड़ने के ऊपर जो एलजी वगैरह हैं ये एलजी को भी खा लेते हैं, ज़रूरत पड़ने के ऊपर एलजी वगैरह को भी खा लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी खुराक जो है वो किधर से किधर जाएगी। देखिए जैसे ये खाना खाएंगे तो पहली बात हमने आपको अभी भी बताया कि आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स, प्रोट्रूसिबल फेरिंग्स, तो फेरिंग्स में खुराक जाएगी। फेरिंग्स में खुराक जाने के बाद यहाँ पर मौजूद ग्लैंड्स और सिलिया जो होंगे वो इस खुराक को पुश करेंगे और मिक्स करेंगे। फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर क्या देखने को मिलेंगे आपको, फेरेंजियल ग्लैंड्स। अब ये फेरेंजियल ग्लैंड्स की जो सेक्रेशंस होंगी, ये सेक्रेशंस इसको डाइजेशन का काम करेंगे। यानी कि पहला कौन सा डाइजेशन होगी इनके अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन है वो कहाँ पर होगी, वो हो जाएगी इनके फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के अंदर डाइजेशन होने के बाद ये जो पीसीज होंगे ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये फैगोसाइटिक सेल जो होंगे ये इनगल्फ कर लेंगे, फैगोसाइटिक सेल्स फैगोसाइटिक सेल इनको इनगल्फ कर लेंगे। इनगल्फ करेंगे तो जाहिर सी बात है कहाँ पे चले जाएगी, सेल के अंदर। सेल के अंदर कौन सा डाइजेशन हो जाएगी, इंट्रा सेलुलर। तो इसका मतलब यार बहुत सिंपल सा हुआ कि इनके अंदर कोई भी सिस्टम वगैरह जो है वो नहीं देखने को मिला, सिंपल है, जानदार, सही है। तो खुराक खाई फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहाँ पे चले गए, वहाँ पर मौजूद जो ग्लैंड्स हैं उन्होंने डाइजेस्ट किया। उसके बाद फेरेंजियल सेल्स के अंदर चली गई, फिर इनके अंदर इंट्रा सेलुलर जो है वो बेटा डाइजेशन हो गई। तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। आपने मुझे आंसर नहीं दिया, दिल तोड़ दिया मेरा। मैंने आपसे पूछा था कि गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है, बताना चाहिए था आपको। हाँ गुड, कुछ बच्चे ने बताया। तो गैसेज एक्सचेंज जो है वो जाहिर सी बात है वो होता है डिफ्यूजन के जरिए से। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन कैसे होती है, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं और रिवीजन में क्या याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। पहली बात बॉडी वाल्व याद करो जल्दी से। हरी बॉडी वाल्व में क्या बताया था मैंने, कहा था एपिडर्मस होती है, एपिडर्मस के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर के बाद पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के बाद गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मस, एक्टोडर्मल इनर रीजन, उसके बाद पैरेन्काइमा, मेसोडर्मल इनर रीजन, गैस्ट्रोडर्मिस, एंडोडर्मल इनर रीजन। एपिडर्मस जो होती है कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं, वेंट्रल साइड के ऊपर होते हैं, उनमें रेबडाइट्स होते हैं, अटैचमेंट होते हैं, अडेसिव्स होते हैं और रिलीजर होते हैं, ठीक है। और रेबडाइट्स होते हैं वो हिफाजत करते हैं डेसिकेशन से भी, प्रेडेटर से भी। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा जो टर्बुलेरियंस होते हैं इनके 3000 स्पीशीज भी पीछे पड़ी थी, है ना। तो फिर हमने ये देखा
जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्योंकि कनेक्शन दरमियान में है किसके, एपिडर्मस और मस्कुलर लेयर के, तो कनेक्शन का काम कर रही है, तो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। फिर हमने देखा किसके बारे में, हमने देखा लेयर के बारे में। तो मैंने कहा कि एबीसी में सी पहले आता है, तो पहली कौन सी लेयर होगी, सर्कुलर, फिर आएगी लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अंदर वाली तरफ आपको पैरेन्काइमा जो कि मेसोडर्मल इनर रीजन होते हैं, टिश्यूज और ऑर्गन्स के सेल्स पर मुश्तमिल होता है, और पीछे कौन सा आगे गैस्ट्रोडर्मिस, और गैस्ट्रोडर्मिस जो होते हैं ये कौन सी इनर रीजन होते हैं, एंडोडर्मस इनर रीजन होते हैं। इज इट क्लियर? फिर हमने देखा डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर हमने डिफरेंट किस्म के इनके हमने कहा कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलते हैं, कुछ के अंदर होता ही नहीं है जैसे कि आर्डर एसिलिया के जो मेंबर हैं, और कुछ के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, एसिलिया, उसके बाद मैक्रोस्टोमेडिया, लैसिटोपथैलिएटा, उसके बाद ट्राइक्लेडेटा और पॉलीक्लेडेटा। प्लेनेरिया ट्राइक्लेडेटा से बिलोंग करते हैं, तीन ब्रांचेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए इनके अंदर कोई भी ऑर्गन्स वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होते। आपने सिंपल सी याद रखना कि रेस्पिरेशन कैसे होगी, डिफ्यूजन के जरिए से, डिफ्यूजन के जरिए से। अच्छा, इनके अंदर अब अगर हम बात करते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल कौन सा रिलीज करते हैं, तो आपने कहना है कि ये अमोनिया रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? अमोनिया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर ये अमोनिया रिलीज करते हैं तो ये क्या होंगे, अमोनियोटैलिक। क्या होंगे? अमोनियोटैलिक। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 केमिकल फार्मूला। अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NH3। अगर वेस्ट की बात करते हैं तो मेटाबॉलिकली वेस्ट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सबसे खतरनाक कौन सा होता है? अमोनिया। और सबसे कम खतरनाक कौन सा होता है? यूरिक एसिड। इज इट क्लियर? और हम लोग क्या रिलीज करते हैं? हम यूरिया रिलीज करते हैं, क्योंकि हमारी लीवर के अंदर यूरिया साइकिल होता है जो कि अमोनिया को किसके अंदर चेंज कर देता है, यूरिया के अंदर चेंज कर देता है। इज इट क्लियर? वो खैर एक अलग टॉपिक है, वो आप लोग अगर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीशन जो है वो दो तरह की होती है, तो अगर कोई केमिकल एक्सक्रीशन और फिजिकल एक्सक्रीशन के बारे में सीखना चाहता है तो वो एक्सक्रीशन वाले लेक्चर के अंदर वहां पे चला जाए, वहां से सीख सकते हैं। ओके, अब हम बेटा बात कर लेते हैं इसकी ओस्मो रेगुलेशन के बारे में, कि क्या ये ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखते हैं, यानी कि क्या ये ओस्मो कन्फार्मर है कि ओस्मो रेगुलेटर है। इज इट क्लियर? तो बेटा छोटे से जानदार हैं तो क्या लगता है, क्या ये ओस्मो कन्फार्मर हो सकते हैं या ओस्मो रेगुलेटर हो सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, ये बेटा होते हैं ओस्मो ओस्मो कन्फार्मर, यानी कि जो बाहर वही अंदर। अपनी बॉडी के अंदर साल्ट वगैरह ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन नहीं रखते, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के आइसोटोनिक रहने वाले हैं। एक्सक्रीशन की बात करें, मेटाबॉलिकली वेस्ट आपको समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो क्या एक्सक्रीशन के अंदर कैसे होती है? देखें, एक्सक्रीशन की बात करें तो फाइलम प्लेटीहेलमेंसिस में से प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया के अंदर प्रोटोनेफ्रेडिया पाया जाता है। इज इट क्लियर? ये तो 12 क्लास के अंदर भी पढ़ाया जाता है। तो नेफ्रेडिया जो है बेटा, इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाई जाती है नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया की आगे दो मेन कैटेगरीज होती हैं, एक को नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया, एक को नाम देंगे मेटानेफ्रेडिया। एक का नाम होगा प्रोटो नेफ्रेडिया, एक का नाम क्या होगा? मेटानेफ्रेडिया। अगर हम प्रोटोनेफ्रेडिया की बात करते हैं तो नेफ्रेडिया की जो पुरानी टाइप है उसको क्या नाम देंगे? प्रोटोनेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया की जो अपडेटेड टाइप है उसका नाम क्या होगा? कॉम्प्लिकेटेड टाइप, मेटानेफ्रेडिया। प्रोटोनेफ्रेडिया जो होती है इसमें नो इंटरनल ओपनिंग, बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की ओपनिंग मौजूद नहीं होती। मान लीजिए जैसे कि एक जानदार है, ठीक है, प्लेन एरिया है, तो इसकी बॉडी के अंदर इस तरह से आपको ट्यूब्स देखने को मिल रही है, देखिए, तो बॉडी के पूरी बॉडी के अंदर कहीं पे भी आपको ओपनिंग नहीं देखने को मिल रही। सारा वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होने के बाद बॉडी से बाहर की तरफ एक ओपनिंग से ओपन हो जाएगा बस। तो ऐसा जो होगा उसको नाम देंगे प्रोटोनेफ्रेडिया। अगर बॉडी के अंदर ओपनिंग हुई तो क्या नाम देंगे? मेटानेफ्रेडिया। मेटानेफ्रेडिया आपको वहां कहां पे देखने को मिलेगा? अर्थवर्म्स के अंदर देखने को मिलेगा। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेरेटिमा पोस्टिमा। कहां से बिलोंग करता है? फाइलम एनिलिडा से। इज इट क्लियर? तो प्रोटोनेफ्रेडिया जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रोटोनेफ्रेडिया के अंदर स्पेशल किस्म के सेल्स भी पाए जाते हैं, जिनको आप क्या नाम देंगे? फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। फ्लेम सेल्स का इनको नाम क्यों देते हैं? क्योंकि बेटा प्रोटोनेफ्रेडिया जो है इनकी बीटिंग से, जब ये प्रोटोनेफ्रेडिया के अंदर ये जो फ्लेम सेल्स हैं जब ये बीट करते हैं तो इनकी बीटिंग से लगते हैं जैसे कि एक फ्लेम जो है एक आकाश शोले की तरह ये हमें दिखाई देते हैं। ये यार कुछ इस तरह से होंगे, देखो ये छोटी क्लासेस के टॉपिक्स हैं तो मैं इसी वजह से ना इसको यहाँ पे नहीं लेके आ रहा मैं, क्योंकि जूलॉजी का लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस तरह के जो पंगे हैं वो आप यहाँ पे ना लो, वो आप जो लेक्चर्स हैं जो FSC के मैं MD CAD के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो वहाँ से जाकर करो, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है वो बढ़ेगा MD CAD लेवल जब आप करेंगे। इज इट क्लियर ना? तो फ्लेम सेल जो है वो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? लेकिन फ्लेम सेल के अंदर ये जो सिलिया है ना, इसके बारे में एक छोटी सी चीज याद रखिएगा कि ये कौन सा प्रेशर क्रिएट करते हैं। आपने कहना ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट, क्योंकि ये नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो नेगेटिव प्रेशर के कारण जो होता है बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे होंगे ना, ये देखें
किधर गया यार, ये देखें, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे तो जितने भी वेस्ट मटेरियल होंगे ना ये इनकी बॉडी कैविटी जिसको हम सिलोम कहते हैं, सिलोम से नेगेटिव प्रेशर के कारण जो है ये इसके अंदर एंटर हो जाएंगे और फिर अंदर की तरफ मूव करते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ याद रखने की, ये नेगेटिव प्रेशर जो है ये क्रिएट करते हैं। अब हम बेटा आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम की बात करें तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा CNS सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम सेंटर उसको इसलिए कहते हैं कि बिकॉज वो बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड और हेड आपके बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्योंकि आपकी बॉडी के पेरिफेरल ब्रांचेस के अंदर पाया जाता है, इस वजह से इसको क्या नाम देंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। तो बेटा अगर हम बात करते हैं इनके अंदर नर्वस सिस्टम की, तो दोबारा से हमें ऑर्डर को डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने तीन ऑर्डर डिस्कस करने हैं। पहला ऑर्डर जो है वो है क्लास ए सिला, सॉरी ऑर्डर ए सिला। ऑर्डर ए सिला के बाद आप डिस्कस करेंगे ट्राइक्लेडिडा, ट्राइक्लेडिडा। अच्छा, तीन आपको वहाँ भी करने हैं, बेशक आप वो बाकी जो है वो ना करो, मैक्रोस्ट्रोमीडिया लेसिटोपथैलिएटा, लेकिन ये तीन तो करने चाहिए ना, ए सिलिया, ट्राइक्लेडिडा एंड पॉलीक्लेडिडा। इन तीनों के अंदर फर्क समझ लीजिएगा। देखें अगर हम बात करते हैं ना एसिलिया, एसिलिया में क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर जो है वो नेटवर्क नर्व नेट देखने को मिलेगा। नर्व नेट आपने कहीं और पर भी पढ़ा था, नर्व नेट आपने पढ़ा था फाइलम नेडेरिया के केस के अंदर, वहां पर आपको नर्व नेट देखने को मिलेंगे। और ए पोलर न्यूरॉन्स जो थे वो मैंने बताया था कि आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, फाइलम पोरिफेरा के अंदर। तो नर्व नेट जो है वो आपको कहां पे देखने को मिलेगा, एसिलिया। नर्व नेट का मतलब यह कि मान लीजिए एक जानदार है ना, इस पूरे जानदार की बॉडी के अंदर जो है वो इस तरह से आपको एक प्रॉपर जो है वो ऐसे नेटवर्क, ये देखें ऐसे प्रॉपर जो है वो नेटवर्क देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बोला कि नर्व नेट आपको देखने को मिलेगा। ओके, दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी जो है वो है हमारे पास ट्राइक्लेडिडा। ट्राइक्लेडिडा से मैंने कहा था कि कौन बिलोंग करेगा, प्लेन एरिया। अगर प्लेन एरिया की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया। सेरिब्रल गैंग्लिया का मतलब वो गैंग्लिया जो कहाँ पर पाया जाएगा, उसके हेड रीजन के अंदर। यानी कि प्लेन एरिया के केस में पता क्या होता है बेटा, प्लेन एरिया का केस समझो, प्लेन एरिया के केस के अंदर यहाँ पर आपको इस तरह से क्या देखने को मिलेगा, ये तो भाई सेरिब्रल गैंग्लिया देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, सेरिब्रल गैंग्लिया। ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया होंगे ना, इसके बाद ये कनेक्टेड होंगे नर्व नेट के साथ, सही है, नर्व नेट के साथ, नर्व नेट, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नर्व नेट ही नर्व कॉर्ड। यार एक घंटे का लेक्चर ऊपर हो गया तो जारी सी बात है, आई थिंक शुगर लेवल थोड़ा कम हो गया, बस हम इसको लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नर्व कॉर्ड के साथ, नर्व कॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो होंगे वो आपस में ऐसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है, इनको नाम देंगे लेटरल, लेटरल नर्व कॉर्ड्स का नाम दे दीजिए, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्टेड करने वाले होंगे नर्व कॉर्ड्स के जो कनेक्ट करेंगे, इनको नाम देंगे कोमिशर्स का। क्या नाम देंगे, कोमिशर्स का। तो ट्राइक्लेडिडा के अंदर क्या क्या देखने को मिला, पहली बात आपको हेड रीजन के अंदर देखने को मिला सेरिब्रल गैंग्लिया देखने को मिला, सेरिब्रल गैंग्लिया से आपको पूरी बॉडी के अंदर क्या देखने को मिले, नर्व कॉर्ड्स देखने को मिले। नर्व कॉर्ड्स आपस में कनेक्टेड थे किसकी मदद से, कोमिशर्स की मदद से आपस में कनेक्टेड थे, इज इट क्लियर। और ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया होगा ये ब्रेन का काम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीक्लेडिडा, पॉलीक्लेडिडा की बात करें तो पॉलीक्लेडिडा में भी आपको सेरिब्रल गैंग्लिया देखने को मिलेगा, सेरिब्रल गैंग्लिया देखने को मिलेगा। अब जारी सी बात है ये तीसरे नंबर के ऊपर आ रहा है, तो इसके अंदर कुछ तो खास होगा। अब इसके अंदर खास क्या है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा टू लेटरल नर्व कॉर्ड्स, टू लेटरल नर्व कॉर्ड भी देखने को मिलेंगे और साथ में नेटवर्क भी देखने को मिलेगा। दोनों चीजें, नर्व कॉर्ड भी और नेटवर्क जो है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक पॉलीक्लेडिडा, तो ये आगे जी इसके सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया से आगे नर्व कॉर्ड्स, और नर्व कॉर्ड के अलावा यहाँ से ये देख लीजिए, डेट इज़ अ नर्व नेट, इज इट क्लियर। तो इसी वजह से मैंने बोला कि इसके अंदर आपको ये दोनों जो है वो देखने को मिल जाएगा, इज इट क्लियर। ऑप्शन यहाँ तक आपको चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई हो चुकी हैं। आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे, डैट इज अ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए नर्वस सिस्टम तो तभी रिस्पॉन्स करेगा ना जब सेंस ऑर्गन्स मौजूद होंगे। तो नर्वस सिस्टम विदाउट सेंस ऑर्गन इज लाइक विदाउट अ मैन विदाउट अ कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस के बगैर एक पर्सन जो है जैसे वो बिल्कुल उल्टे से भी हरकतें करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन के बगैर कुछ नहीं है। तो सेंस ऑर्गन भी तभी काम के होंगे जब यहाँ पर न्यूरॉन्स होंगे। तो जाहिर सी बात है न्यूरॉन्स यहाँ पर आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो पैगाम को लेके जाएंगे, ठीक है, प्रिमिटिव ब्रेन की जानिब, याद रखिएगा प्रिमिटिव ब्रेन। तो प्रिमिटिव ब्रेन क्या है, जो भी मैंने सेरिब्रल गैंग्लिया बताया, और फिर प्रिमिटिव ब्रेन से वापस कौन लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन। तो दो तरह के न्यूरॉन मेनली तौर पर देखने को मिलेंगे, एक आपको सेंसरी न्यूरॉन, एक आपको मोटर न्यूरॉन, इज इट क्लियर ना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं,
सेंस ऑर्गन, अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे ऑरिकल्स, ऑरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ऑरिकल्स जो होते हैं ये आपने याद रखना है कि साइड ऑफ द हेड्स, हेड्स के साइड्स के ऊपर जो है यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे साइड, साइड ऑफ हेड, हेड के जो साइड्स हैं वहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यू विल फाइंड आउट द ऑरिकल्स। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर आपको कीमोरिसेप्टर देखने को मिलेंगे, यानी कि जहां पर ये पाए जाते हैं पानी वगैरह के अंदर, अगर उनके केमिकल कंपोजिशन में किसी किस्म के चेंजेस आते हैं तो इसको भी डिटेक्ट कर लेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इसकी ये जो आंखें होते हैं ना, ये आंखें नहीं होती, इनको कहते हैं आई स्पॉट, यानी कि एक तो इनके सेरेब्रल गैंग्लिया आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर सेंटर के अंदर, और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगे इनको नाम देंगे आई स्पॉट्स। क्या नाम देंगे? आई स्पॉट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इन्हीं आई स्पॉट्स को हम एक और नाम भी देते हैं, इनको कहते हैं ओसिलाई। क्या नाम देते हैं? ओसिलाई का नाम देते हैं। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर आपको टू सिंपल आगे की तरफ है ना, ट्राइक्लेडिडा की बात कर रहे हैं प्लेन एरिया की, तो क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एनिमल जो है वो प्लेन एरिया, तो मोस्टली जो बातें कर रहे हैं वो प्लेन एरिया के बारे में की जा रही है। तो टू सिंपल आपको आई स्पॉट जो है, या सिंपल कह लीजिए ओसिलाई जो है, वो देखने को मिलती होती है। और दूसरा पॉइंट ये कि भाई ये नेगेटिव फोटोटैक्टिक बिहेवियर शो करते हैं, नेगेटिव फोटोटैक्टिक बिहेवियर, यानी कि जैसे इनको लाइट मिलेगी तो ये लाइट से दूर की तरफ हमेशा भागेंगे। ओके फाइनली गाइस, लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, जहाँ तक हमें कवर करना था। अब किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर पूछेगा। होप सो ये आपको बेनिफिट दे। दोबारा से बता देते हैं हम इसको कैसे कर रहे हैं पीपीएससी के एग्जाम के हवाले से, तो जो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। कहानी की तरह सुनो, जुबानी सुनो और जुबानी याद भी करो, समझ में आई ना बात। अगर गाने सुनते रह जाओगे तो फिर गाने सुनते रह जाओगे, तो गाने नहीं सुनने आपको, मेहनत करके आगे की तरफ बढ़ना है। ओके अगर यार क्वेश्चन है तो करो, वरना सब्सक्राइब वगैरह का हमें चिंता कोई नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना, इसको यार शेयर लाजमी करना अपने फेलोज के साथ। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि यार ये सोच के नहीं करना कि भाई अगर मैंने कर लिया तो मेरा दोस्त ना कर पाए, क्योंकि छोटी सोच और घुटने की जो मोच होती है ना वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो आपने कंपटीशन जो है वो अपने फेलो के साथ भी करना है। देखिए जब आप चीज़ें शेयर करेंगे ना तो उनके साथ कंपटीशन बढ़ेगा आपका, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, तो नॉलेज कभी भी कम नहीं होता। ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।